नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त बराम करा और आप सब हम सब लोग यूट्यूब में टर्न के बराम। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करूँ जियो फाई जे एम आर टेन फोर्टी जो है वो एक जियो फाई मॉडल है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग लेवल की जियो फाई मॉडल बनाया गया है, जैसे कुछ मॉडल आप लोगों ने यहाँ पर देखा। तो आज मैं इसे अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके अंदर जो एसडी कार्ड लगाने की जो ऑप्शन है उसकी एक्चुअली में यूज़ क्या है, ये अभी कितने प्राइस में मिल रही है, मैंने कितने प्राइस में लिया, इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा सिम भी ले रखा है। तो सब कुछ अनबॉक्सिंग करने के बाद सब कुछ आपको पता चल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं पर स्पीक मत करना, अगर स्पीक करोगे तो कुछ चीज़ आपको समझ नहीं पाएगा। तो चलिए बिना कुछ इधर बात ना करके आज इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा आपको बॉक्स देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको बहुत बड़े अक्षर में डिजिटल लाइफ की यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगी और इस साइड पर आपको जे एम आर 1040 की आपको लोगो देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको डिजिटल लाइफ की जो लोगो पहले थी ऐसा देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स दिया गया, जैसे कि इस हॉटस्पॉट की पासवर्ड, कुछ फ़ोन नंबर दिया गया और सबसे बड़ी मेन चीज़ इनकी प्राइस दिया गया। तो आगे मैं इनकी प्राइस बता रहा हूँ, पहले तो आप ही देख सकते हो ये प्रिंटेड प्राइस है। तो यहाँ पर ऐसे आपको बॉक्स देखने को मिलेगी और मैंने एक सिम कार्ड भी खरीद लिया है, तो सिम कार्ड मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है तो दिखाऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको बहुत दिन हो गया खरीद हुआ मगर समय नहीं पा रहा था अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो सिंपल से आपको देख सकते हो एक ऐसा बॉक्स देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको ऐसे जियो लोगो देखने को मिल जाएगी और इस टाइप की जो मेन प्रोडक्ट है और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी मेन चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जो है मतलब कि यहाँ पर आप अपने हॉटस्पॉट हिसाब से व्यवहार कर सकते हो, कनेक्ट आपको 31 डिवाइस कर सकते हो, मतलब कि अगर आपके घर में 31 बंदे से ऊपर है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर जो बैटरी दिया गया है वो करीब 3000 एमएएच की बैटरी है, ठीक है। और वायरलेस यार मतलब कि एसडी कार्ड जो है इसके अंदर जो एसडी कार्ड आएगा उसकी जो काम है वो बता रहूँगा, क्योंकि एसडी कार्ड यहाँ पर लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि एसडी कार्ड की यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है क्या नहीं है। तो इसके अंदर जो एसडी कार्ड रहेगी उससे आप मोबाइल पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वायरलेस आप की जो स्टोरेज है वो टोटली आपके मोबाइल पे चले जाएगी। तो ऐसा ही सेम मतलब कि मैं एक बार करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर डिजिटल सर्विस दिया जाएगी और इसके अंदर एक चार्जर और इस साइड पे भी ऐसे सेम चीज़ दिया गया है। और तो मुझे करीब ये जियो फाई पड़ी है 999 रुपीज़ और इसके साथ कोई भी सिम कार्ड नहीं आएगी, तो सिम कार्ड मुझे अलग से ख़रीदना पड़ा। तो इसकी प्राइस मुझे करीब जो मैंने रिचार्ज कराया उससे 99 प्लस पड़ा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है प्राइम यूज़र के लिए वो आपको 99 लगेगा, जैसे कि अगर आपकी 199 रुपीज़ की प्लान है तो आपको उससे 99 जोड़ना है तब भी आपको एक नई सिम मिलेगी। अगर आपके पास जियो की कोई भी सिम है तो आप इसे ईजी लगा सकते हो, इसके अंदर वही सिम लग दी है। तो यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिलेगी और चार्जर की मेन हेड पार्ट और यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने पहले ओपन कर रखा है ऑलरेडी, तो इसके अंदर ये जो कोड था ऐसे दिया गया था और इसके अंदर कोड गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सब इसलिए दिया गया है क्योंकि मोबाइल से आप कॉल भी कर सकते हो, डाटा कॉलिंग जैसे सिस्टम होती है इनकी, जैसे कि इस जगह पर आप देख सकते हो जियो 4G वॉइस इंस्टॉल करके आप इजीली किसी को भी कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जियो 4G वॉइस, यहाँ पर कॉल नंबर दिया गया कैसे सेटअप करनी है, ये चीज़ आप देख के कर सकते हो। देख सकते हो डाउनलोड करने के बाद ये सब सेटअप करना पड़ेगा, OTP देना पड़ेगा, तो ये सब इजीली हो जाती है। तो मैंने ऑलरेडी करके दिखाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ पर जाके आप इजीली देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही तगड़ा लेवल के ज्ञान झड़ा है इन लोगों ने, तो अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो कैसे वारंटी है कैसे वारंटी नहीं है ये सब देखने को मिल जाएगी। तो डिवाइस 1 ईयर के लिए है और एक्सेसरीज है 6 मंथ के लिए, एक्सेसरीज मतलब कि जो बैटरी और जो अलग अलग चीज़ है उसकी 6 महीने के लिए देखने को मिलेगा, मगर ये जो डिवाइस मेन डिवाइस है वो सिंपल से 1 ईयर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कैसे सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जियो फाई कैश मतलब कि कौन सी कलर की मतलब क्या है, जैसे कि अगर सभी कलर क्या डिवाइस किया जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कलर है मतलब कि सूट वर्किंग है, सूट स्लो ब्लिंकिंग, मतलब कि यहाँ पर आपको कैसे चार्जिंग सब कुछ देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ देख के यहाँ पर जैसे कि कलरिंग दिया गया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जब मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप ही ये सब चीज़ हटा देते हो। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि कब चार्जिंग लगाते हो और चार्जिंग कब कम्प्लीट हो गया, तो ये सब को आपको देखने को मिल जाएगी। टावर जो सिस्टम है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अगर इस कलर की जो चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा तो सबसे अच्छी चल रही होगी और यहाँ पर कितने कनेक्टिंग है सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी चलो मेन प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, ये है मेन प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था मगर बहुत दिन हो जाने के कारण यहाँ पर घिस गई है और उठ गई है। तो अभी सिंपल से इसको भी उठा देते हैं और डिज़ाइन बाय इंडिया, हालांकि डिज़ाइन इंडिया से करा गया मगर ये जो मेन प्रोडक्ट रहती है वो चाइना से आती थी, जैसे कि एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि कहाँ से आती है क्या नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आप शायद देख सकते हो
मेड इन चाइना और उसके नीचे पासवर्ड, तो मेन चाइना से आती है, मगर यहाँ पर डिज़ाइन जो किया गया है वो इंडियन के लिए किया गया ही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी इसको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं, इसके बाद ऑन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली से चार्जिंग पोर्ट के ऊपर में ही, और चार्जिंग पोर्ट बड़े तो ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये टाइप बी है, तो इसके ऊपर में एक देखने को मिल जाएगी ऑन करने के लिए। सिंपल से अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा एक स्पॉन्ज दिया जाए कि इस बैटरी को सही तरीके से रखने के लिए, और सिंपल से इस जगह से आप ओपन कर सकते हो। और इसके इस साइड में आपको एक सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने एसडी कार्ड नहीं डाला है, मगर एसडी कार्ड डाल के भी एक बार दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने सिम कार्ड ऑलरेडी पहले से है, मैंने जैसे कि बताया कि एक बार इंस्टॉल करके देख लिया है। और ये जो बटन आप देख रहे हो ये रीसेट करने के लिए है, जैसे कि सब लोग पता है कि रीसेट ऑलरेडी लिखा ही हुई है। और अगर आप एसडी कार्ड डालना चाहते हो तो एसडी कार्ड डाल सकते हो। तो एसडी कार्ड डालने की फ़ायदा ये है कि इसमें जो स्टोरेज है वो आप मोबाइल पे देख सकते हो, वेबसाइट के अंदर एक जियो फाई की वेबसाइट है अलग से, तो आप से देख सकते हो। कैसे आप देखना चाहते हो वो अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पर सिंपल से एक बार क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये ले लेती है अंदर, और अगर इससे निकलना चाहते हो सिंपल से और एक बार प्रेस करनी है, सिंपल से निकल जाती है। ऐसे आप निकल सकते हो। अगर आपको फिर से इंस्टॉल करनी है तो सिंपल से एक बार प्रेस करनी है ऐसे अच्छे से, और ये सेट हो जाती है। सिम की तरफ से भी ऐसे ही सेम है, ऐसे सिंपल से प्रेस करनी है और सिम निकल जाती है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर सबसे मिनी जो सिम है ये ले लेती है। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे मोबाइल में पहले थी कि बहुत बड़े बड़े सिम लेती है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसे छोटा सिम जो है वो ऐसा छोटा सिम लेती है। और ये है वो बैटरी, 3000 mAh की बैटरी है। ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देख सकते हो क्या नहीं करनी है, क्या करनी है, प्लस माइनस। और यहाँ पर ऐसे आपको ऑन कर देनी है, तो ऑन करके भी एक बार दिखाता हूँ कि वो जो लाइट आप लोगों को बताया वो लाइट एक्चुअली में कैसे काम करती है। तो एसडी कार्ड के काम आप लोगों को पहले बता दिया कि एसडी कार्ड में आप ऐसे देख सकते हो, और चार्जर भी एक बार दिया देता हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे एक सोलो क्वालिटी की चार्जर देखने को मिलेगा, और मैंने इसको अच्छे से इसलिए रैप करके रखा है क्योंकि ये जो चार्जर है ये बहुत ही हाई क्वालिटी की चार्जर है, मतलब किसी पर सिर्फ इसे चार्जिंग करने के लिए बनाया गया है, ये सिंपल से मोबाइल चार्जर के लिए नहीं है। मगर आप मोबाइल पर चार्जिंग कर सकते हो, मगर ये ऐसे अच्छा है। तो देख सकते हो ऐसा एक कम लेंथ की एक वायर देखने को मिलेगा जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पर ये जो चार्जिंग है ये करीब स्लोई क्वालिटी की चार्जिंग है, और यहाँ पर देख सकते हो मेड इन चाइना की यहाँ पर ब्रांडिंग किया गया है, तो देख सकते हो चाइना की तरफ से आती है। हालांकि अभी जो है इंडिया की तरफ से भी रेडी होना स्टार्ट हो चुके हैं, जियो की लोगो देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसे ऐसे रैप करके रखा है, मगर ये बहुत ही स्लो चार्जर है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, मगर अच्छी तरीके से चार्ज कर देती है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो चार्जिंग देते टाइम भी, तो अभी आप चार्जिंग देते देते भी इसको यूज़ कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले एक बार ऑन करके दिखाया, तो सिंपल से यहाँ पर आप देखो दो बटन देखने को मिल जाएगी। सिंपल से एक है पावर ऑन ऑफ के लिए और एक है WPS के लिए, मतलब कि अगर आप 31 बंदे को कनेक्ट करना चाहते हो तो इसको प्रेस करके रखने के 31 बंदे कनेक्ट हो जाते हैं। मगर 31 बंदे जब आप कनेक्ट करोगे तब दोस्तों जो नेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करने लगेगा, इसीलिए कहूँगा कि 31 बंदे को आप कनेक्ट मत करो। और ये जो पावर बटन है इसे प्रेस करके रखने से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 3 लाइट देखने को मिल जाएगी। एक है बैटरी के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो लाल है, तो यहाँ पर अभी ऑन नहीं हुई, सिंपल से ऑन होने से पहले जो चीज़ दिखाई जाती है वो दिखाएगा। सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन होने में टाइम लग रही है। तो ये करीब मेरे हाथ से बहुत बार गिर चुकी है, बहुत जगह पर क्रैचेस भी आ चुकी है, मगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं बाहर इसको रख के भूल गया था और बारिश आ गई थी, मगर इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसको ऐसे बनाया गया कि इसके अंदर जो वाटर है वो इजीली निकल पाए। जैसे कि इस जगह पर अगर वाटर पड़े तो इस साइड से निकल जाएगी ऐसे ही, तो ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मगर आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ करना क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 लाइट जल रही है, तीनों लाइट जल रही है। अभी आप देखने की ये जो टावर की लाइट है वो अभी कैसे किया, तो इसकी मतलब क्या है, तो वो सिंपल से वो बुक आपको निकालनी है जहाँ पर कलर सब कुछ दिया गया था। तो सिंपल से यहाँ पर आपको निकलने से देखने को मिल जाएगी सब कुछ। तो यहाँ पर ये कलर ये नहीं है, ये सिंपल से एक जियो डिजिटल लाइफ के लिए है, मतलब कि आप इसमें क्या क्या यूज़ कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, ये नहीं है ओ बॉक्स, ये सिंपल से जियो फाई के लिए ये है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि इस कलर की क्या सीन है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये कलर, तो इस कलर की मतलब है कि बैटरी लाइफ विदाउट बैटरी इनसाइड, मतलब कि अभी सही चल रही है, ठीक है। रेड हो जाएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चार्जिंग कम है, चार्जिंग आपको डालनी है, ठीक है। और जब चार्जिंग में डालोगे तब ये जो बैटरी की जो सिंबल है वो ऑफ और ऑन होगा, और जब और ये जो आप देख रहे हो कि टावर की जो सिंबल है ये सिंबल है कि फेयर सिंगल कवर, मतलब कि अभी जो कवरेज है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर इस कलर के रहेगी तो समझ लेना कि अच्छी गुड सिग्नल रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर वाईफाई की जो सिस्टम है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी कोई कनेक्ट नहीं है, अगर 1 मंथ में कनेक्ट होगा
तो यहाँ पर ऐसे कलर देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी मैंने कनेक्ट करके दिखाया है, तो आप लोगों की सपोर्ट के लिए मैं एक बार कनेक्ट करके भी दिखाया था। और सिंपल से यहाँ पर आपको वाईफाई ऑप्शन में जानी है, और वाईफाई ऑप्शन में जाने के बाद सिंपल से आपको पहले ऑप्शन देखने को मिल जाएगी कि कौन से हॉटस्पॉट ऑन है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पर कस्टमाइज़ कर रखा है नाम, तो कस्टमाइज़ कैसे करती है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और इजीली कनेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड मैंने दे रखा है इसलिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई है, अगर पासवर्ड नहीं दिया तो पैसे आपको पासवर्ड देने पड़ेगा। तो भाई की पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप इजीली देख सकते हो, सब कुछ मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो ऐसा ही सेम चीज़ है, और कुछ भी इसके साथ नहीं मिलती है, और देख सकते हो ये सब चीज़ मिलती है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे 999 रुपीज़ में। हालांकि इसके साथ जो सिम कार्ड आती है उसकी प्राइस मुझे अलग से पड़ा, क्योंकि सभी लोगों को पड़ेगी, ऐसे सिम कोई भी इसके साथ नहीं देती है। सिंपल से जो प्रोडक्ट है, ये जो बॉक्स होती है इसकी जो प्राइस है ये 999 रुपीज़ है, मगर अभी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है, अभी करीब 1000 से भी ऊपर में देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इतना लो क्वालिटी कवरेज नहीं देती है, जितना आपके मोबाइल यूज़ कर सके उतना दोस्तों एक बंदे के लिए सही है। अगर बहुत बंदे इसको यूज़ करेंगे, बहुत बंदे इसको कनेक्ट करके रखेंगे तो नेटवर्किंग बहुत ही स्लो हो जाएगी। सिंपल से एक बंदे के लिए पर्सनल वाईफाई ये है, और इससे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि इसकी जो मंथली प्लान है और आपके मोबाइल पे जो मंथली प्लान है वो सही है, ताकि यहाँ पर सिंपल से डायरेक्ट कॉल आप यूज़ नहीं कर पाओगे, मगर आप मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद वो आप कॉल भी कर पाओगे और मैसेज भी कर पाओगे अपने दोस्त को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जियो 4G वॉइस, इसको इंस्टॉल करने के बाद ये सब स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप कर पाओगे। हालांकि आपने मोबाइल पर जो सेकंड नंबर है वो आपके मोबाइल पर होना चाहिए, क्योंकि जब इसमें कोई कॉल आती है तब डायरेक्टली उस नंबर पर आपको कन्वर्ट कर दिया जाती है। जैसे कि सपोज़ इसमें जो सिम है उसकी जो सेकंड नंबर जाके जो वेरिफिकेशन करना पड़ती है उसकी जो नंबर है वो आपके फ़ोन में होना चाहिए, फिर आपको कॉल को डायरेक्ट रीडायरेक्ट किया जाएगी आपके मोबाइल पे, नहीं तो नहीं किया जाएगी। बहुत सारे लोगों को इस एप्लीकेशन में जाने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम आता रहती है। अगर आप रियली जानना चाहते हो कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो कॉमेंट बॉक्स ओपन बढ़िया। अगर बहुत सारे कॉमेंट आई या फिर एक भी बंदे की कॉमेंट आई तो इसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाना सब कुछ आपको समझा दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ज़्यादातर वीडियो में आप सब लोग की डिमांड की वजह से लाता हूँ, तो बाकी बिल्कुल सही है। बहुत सारे जियो स्टिकर देखने को मिलेगा, मगर जियो स्टिकर मैंने ख़त्म कर रखा है, तो यही मेन चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो यही सबसे सब कुछ हो जाएगी, तो और कुछ भी नहीं कहूँगा। और एक बात आपको कहना भूल गया था, अभी बहुत सारे ऑफर भी चल रही है, और एक बात कहना भूल गया था अभी इसके रिलेटेड बहुत सारे ऑफर भी चल रही है माई जियो पर। अगर आप रियली बाय करना चाहते हो तो एक बार जाके ऑफर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आप माई जियो पर जाके देखना चाहते हो तो माई जियो पर जाके देख सकते हो, क्योंकि अभी ये बहुत सारे लोग खरीद रही है, बहुत सारे डिस्काउंट भी चल रही है, बहुत सारे सेल भी चल रही है, तो वहाँ पर जाके आप खरीद सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ भी नहीं कहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो पर आप लोगों ने जियोफाई की अनबॉक्सिंग देखा, तो और भी बहुत सारे अनबॉक्सिंग आने वाले, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर रखो, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये जियोफाई मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप इसे ऑनलाइन पे खरीदना चाहते हो सिंपल से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इजीली बाय कर सकते हो। दोस्तों एक सबसे बड़ी मेन चीज आपको कहना चाहूंगा, ये जो जियोफाई है ये मैं गिव अवे करना चाहती हूं, सिंपल से इस वीडियो पर 1K लाइक कंप्लीट होने के बाद ही इसे गिव अवे कर दूंगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय, घर पर रहने से, और जैसे मैंने पहले बताया चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, चलिए तब तक के लिए बाय।